लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, एक अजीबोगरीब नमूना सामने आया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक व्यक्ति के मलाशय से निकली 16 इंच लंबी लौकी, 2 घंटे तक चला उसका ऑपरेशन। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया भर में आए दिन अजीबोगरीब मामले सामने आते रहते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 60 वर्षीय किसान के मलाशय से 16 इंच की लौकी निकाली गई। जानकारी के मुताबिक खजुराहो के एक किसान को जिला अस्पताल में गंभीर हालत में लाया गया। दरअसल किसान को पेट दर्द की शिकायत रहने के कारण अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मरीज का अल्ट्रासाउंड कर मलाशय में से 16 इंच की लौकी होने की पुष्टि की। तो आइए जानते हैं पूरे मामला क्या है। अस्पताल लाए जाने के बाद डॉक्टर ने मरीज का अल्ट्रासाउंड किया, जिसमें पता चला कि मरीज के मल द्वार के अंदर लौकी मौजूद थी। इसके बाद डॉक्टरों ने 2 घंटे तक उसका सर्जरी कर मल द्वार से लौकी को सफलतापूर्वक निकाला। मामला काफ़ी हैरान कर देने वाला था और अब तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार लौकी मरीज के मल द्वार तक कैसे पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मल द्वार में लौकी जाने के कारण शरीर के मल के रास्ते के नसें तक फट चुकी थी। इसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द हुआ। फिलहाल मरीज खतरे से बाहर है और उसकी हालत में भी काफ़ी सुधार है। ये मामला काफ़ी संगीन और चौंका देने वाला है। तो ये था हमारा आज का करंट न्यूज। धन्यवाद।